नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैक्सटन और टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बैक्सटन और टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बैक्सटन और टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बैक्सटन और टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बैक्सटन और एक ब्रांड नेम है। बैक्सटन और टैबलेट के अंदर दो एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। बैक्सटन और टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन सेफिक्सिन 200 mg और ओफ्लोक्सासिन 200 mg होता है। बैक्सटन और टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। बैक्सटन और टैबलेट का उपयोग शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है, जैसे फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खांसी होने पर, पेट में इन्फेक्शन होने पर, टाइफाइड होने पर, दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन होने पर, जोड़ों या हड्डियों में इन्फेक्शन होने पर, पेशाब में इन्फेक्शन होने पर और कान नाक गले या त्वचा पर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर बैक्सटन और टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी होने पर, त्वचा पर कोई घाव होने पर या त्वचा पर कोई इन्फेक्शन होने पर भी डॉक्टर बैक्सटन और टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। शरीर में इन्फेक्शन होने पर बुखार हो सकता है, इसलिए बुखार होने पर भी डॉक्टर बैक्सटन और टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशंस है जिनमें आपका डॉक्टर बैक्सटन और टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बैक्सटन और टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बैक्सटन और टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी होना, चक्कर आना, भूख कम लगना, मुंह का स्वाद खराब होना, त्वचा पर रैशेस होना, त्वचा पर खुजली होना, पेट में दर्द होना, सिरदर्द होना और दस्त होना आदि साइड इफेक्ट्स बैक्सटन और टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैक्सटन और टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। बैक्सटन और टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बैक्सटन और टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। बैक्सटन और टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बैक्सटन और टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बैक्सटन और टैबलेट को लेने के बाद और बैक्सटन और टैबलेट को लेने से पहले 2 घंटे तक पेट में गैस और एसिडिटी को कम करने वाली एंटासिड दवाओं और आयरन सप्लीमेंट्स के साथ बैक्सटन और टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। बैक्सटन और टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने बैक्सटन और टैबलेट को लेने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक बैक्सटन और टैबलेट को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने पर वो एंटीबायोटिक दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और बैक्सटन और टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इन्फेक्शन वापस आ सकता है। इसलिए बैक्सटन और टैबलेट को केवल उतने समय तक ही लेना चाहिए जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने बैक्सटन और टैबलेट को लेने की सलाह दी है। बैक्सटन और टैबलेट वायरल इन्फेक्शन होने पर, जैसे जुखाम या फ्लू होने पर, प्रभावी नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किडनी की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि लिवर और किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में बैक्सटन और टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बैक्सटन और टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बैक्सटन और टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बैक्सटन और टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।